जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। सत श्री अकाल जी, मैं संदीप शर्मा तुहाडे नाल इक वारी फिर रूबरू हो रहा। अज असीं बैठे हैं लुधियाना शहर, तो लुधियाना शहर जिहड़ा कि कारोबारियां दा शहर है, अपने रिच कल्चर लई जाने जांदे आ। सो पर एक जिवें लुधियाना शहर अपनी एक खास अहमियत रखता है ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच, पर वह जिहड़ी खास अहमियत है वह इत्थे दे कुछ खास चुनिंदा लोगों के करके है इत्थे दी अहमियत। सो इह जी कुछ फैमिलीज़ है जिन्हां दी एक लैगसी हैगी है लुधियाना शहर नूं, लुधियाना शहर का नाम बनाने विच। असीं तुहाडे तक वह बंदियां नूं रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हां दे करके लुधियाना का नाम इंडिया च ही नहीं पूरे वर्ल्ड दे विच मशहूर है। सो इदां दे ही एक फैमिली जिहड़ी हैगी है लुधियाना शहर दे विच, निक्कामल ज्वैलरी हाउस लुधियाना दे विच माल रोड ते। वैसे किसी नूं दसण दी लोड़ ही नहीं पैंदी, माल रोड उल्टा निक्कामल ज्वैलरी हाउस करके पहचानी जाती। असीं दस रहे हैं। सो अज असीं तुहानूं निक्कामल ज्वैलरी हाउस दी जिहड़ी 7th जनरेशन नाल मिलाने दी एक कोशिश कर रहे हैं। सो मिलाने दीपांकर जैन जी नाल। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना वार्म इंट्रोडक्शन दिया। द प्लेजर इज ऑल माइन कि आपके चैनल पे आए हम, थैंक यू सो मच। तो ये लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं मिल दिया। आपकी रिचनेस और आपका कल्चर, आपकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि हम लोगों को सोच सोच के बोलना पड़ता है, कहीं हम अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत ना बोल दें। नहीं सर, कल्चर शहर से बनता है, लोगों से बनता है। और ये आज आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि हम 1870 से हैं, उसका रीज़न ही ये है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है। जो यहाँ की कस्टमर बेस है, जो लुधियाना के क्लाइंट्स हैं हमारे, जो लुधियाना के परिवार है, उन्होंने इतना प्यार दिया कि आज हम 7th जनरेशन आपके सामने बैठी है और अभी भी सर्व कर रही है लुधियाना को। सर मैं इसमें पूछना चाहूँगा, सॉरी, मतलब वैसे तो लड़कियों को सॉरी एज नहीं पूछी जाती, आजकल कहते हैं यंगस्टर्स को पूछना नहीं चाहिए, आपकी एज क्या होगी? सर मेरी एज 29 ईयर्स है जी। मैं ये पूछना चाहूँगा दीपांकर जी कि अक्सर यंगस्टर्स ये कहते हैं जी हमने जो हमारा पेरेंटल बिजनेस है वो नहीं करना, हम तो कुछ नया करेंगे, दुनिया बदल देंगे। पर आप वो हो जो अपने खुद बोल रहे हो कि मैं 7th जनरेशन इस कारोबार को कर रहा हूँ और इस लेगेसी को आगे लेके जा रहा हूँ। सो मजबूरी में कर रहे हो या मतलब खुद पैशन है कि जो पेरेंटल लेगेसी मिली है उसको आगे कुछ करके जाना? सर एक्चुअली मैंने अपना काम काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया था, लाइक आफ्टर स्कूल आई स्टार्टेड वर्किंग अ लिटिल बिट। बट आई थिंक ये तो एक ऑनर होता है लुधियाना की, जितनी भी बिजनेस फैमिलीज़ हैं आई थिंक ये उनके लिए एक ऑनर है कि एक अगली जनरेशन उसको ज्वाइन करे। तो फिर मतलब मैं तो बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि मैंने अपना बिजनेस एज अ 7th जनरेशन ज्वाइन किया है और उसको आगे लेके जा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि इट इससे कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेगी और ये बहुत आगे तक जाएगा। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आज खास मुलाकात में हम ये पूछना चाहेंगे, क्या आप डिफरेंट कर रहे हो अब नई 7th जनरेशन क्या नया कर रही है इस शहर के लिए? कैसे आप, चलो आपके बुजुर्गों ने आपके उन्होंने तो आपको दिया, अब कैसे दीपांकर जी के लिए एक चैलेंज है कि कैसे आज ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है, आज चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, कंपटीशन बहुत आ गया, आगे एक ज्वेलर थे आप, आज फैमिली में ही बहुत सारे निकल आए और इसके अलावा बहुत सारे ज्वेलर्स हैं। सो कैसे क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहे हो जो शहर वाले आज भी, वो निक्कामल ज्वेलरी हाउस जो आपने ये फर्स्ट फ्लोर पे एक नया करिश्मा किया हुआ है इसके इस पे जुड़े रहें? सर नया तो बहुत कुछ कर रहे हैं। पहली बात, अच्छा लगता है कि कंपटीशन आ रहा है, अच्छा लगता है कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे को भी एक कॉन्फिडेंस देती है कि हम और बेटर करें। अगर आसपास कंपटीशन नहीं होगा तो हम भी ठंडे पड़ जाएंगे। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि देर आर मोर पीपल वो डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड रिस्पेक्ट दैट कि उससे बेटरमेंट होगी। और जहाँ तक नएपन की बात है, तो जो मेरे दादाजी थे उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई थी कि हर ख्वाहिश जो कस्टमर की है वो पूरी करनी चाहिए। और उन्होंने निरंतर इफ़ आई से अपनी एज तक टिल द लास्ट डे उन्होंने कस्टमर के लिए ही काम किया। तो इसीलिए जो आपने नयापन की बात करी, तो उसी लाइंस पे सोचते हुए हमने एक नया कंसेप्ट जो ख्वाहिश करके 2 डे स्पेशल शो कर रहे हैं हम 26th और 27th को, उसका यही पर्पस है कि जो एक कस्टमर की, एक लेडी की ज्वेलरी के रिलेटेड ख्वाहिशें होती हैं, कपड़ों के रिलेटेड ख्वाहिशें होती हैं या एनी गिफ्टिंग आइटम्स के रिलेटेड ख्वाहिश होती हैं, हमने कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लुधियाना हमने वो ब्रिंग आउट कर रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग इट टू द सिटी इन आर स्टोर एंड वी आर ट्राइंग टू केटर कि जो आपकी सारी नीड्स हैं वो एक रूफ के अंडर उन 2 दिनों में हम पूरी कर सकें। मतलब यू मीन टू से कि अब ज्वेलरी हाउस जो आपका है उसमें भी आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो कि 2 डेज स्पेशल शो कर रहे हो कुछ? एब्सोल्युटली सर, ये 2 दिन का स्पेशल शो है जिसमें आपकी वेडिंग से रिलेटेड,
मैरिज से रिलेटेड जो क्लोदिंग नीड्स है, जो गिफ्टिंग नीड्स है, प्लस जो ज्वेलरी नीड्स है, वो एक रूफ के अंडर हम इन दो दिनों में पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इसके लिए क्या कुछ शुरू में स्पेशल इंतजाम किए जाएंगे या कैसे, क्या नाम दिया जाएगा इसका, कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे है, कुछ डिस्क्राइब करो। सर, इस कंसेप्ट का नाम जैसे मैंने बताया ख्वाहिश है, और यही है कि ये जो दो दिन में हमने पिछले 3 महीने से लगकर एक बहुत स्पेशल कलेक्शन इन ज्वेलरी क्यूरेट करी है, जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। मतलब डिज़ाइनिंग भी डिफरेंट है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को और जो ब्राइडल ट्रेंड्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए जो एक कलेक्शन इस बारी बनाई है, विच इट इज़ वेरी डिफरेंट और मज़ा आएगा देखने में। और ये स्पेशल इसलिए भी है कि हमने इस कलेक्शन का सिर्फ एक ही पीस बनाना है। अगर किसी ब्राइड ने वो पीस ले लिया, हम वो पीस दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर ब्राइड यही चाहती है कि जो ज्वेलरी उसको मिली है वो डिफरेंट होए और वो यूनिक रहे। तो हमने ये यूनिकनेस उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि वी विल बी द फर्स्ट, इसमें भी हम ट्रेंड सेट करेंगे, इसमें भी हम फर्स्ट होंगे कि हम अपनी जो ब्राइडल ज्वेलरी इस कलेक्शन की बेचेंगे, वी विल नॉट रिपीट दैट सेट इन द स्टॉक। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे निक्कामल ज्वेलरी हाउस आपका इतना प्राउडली नेम है, इतना प्रीशियस नेम है, और लोगों को में एक परसेप्शन है कि निक्कामल ज्वेलरी हाउस में ना मतलब सिर्फ इलीट क्लास ही जा सकती है और सिर्फ मतलब सिलेक्टेड बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए ही यहाँ पे सामान मिलता है, ऐसी भी कोई परसेप्शन आपने खुद बना रखी है या ये गलत परसेप्शन है? सर, ये पहली बात बहुत गलत परसेप्शन है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे शोरूम पर हर कस्टमर वेलकम है, और सीधी सी बात है, हमें हर कस्टमर चाहिए कि वो हमारे से आए और खुशी से कुछ लेकर जाए। हमारे शोरूम पे आपको मिनिमम टू मिनिमम से लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी नीड्स केटर होंगी इन द प्राइस रेंज। और ये जो हमारी नई कलेक्शन भी हमने क्यूरेट करी है, ये ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ ब्राइड्स के लिए, वॉट एवर यू वुड वॉन्ट, एवरी प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एट योर डिस्पोजल इन आर स्टोर। ओके, सो जहाँ तक आपने बताया कि 26 और 27 दो दिन का ये एक तरह से एग्जीबिशन कम शो है, प्रीव्यू है, एक स्पेशल प्रीव्यू है। एग्जीबिशन भी हम मतलब मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज एग्जीबिशन में आप सब कुछ लेके आते हैं, आप सब कुछ जितना सामान दिखाना चाहते हैं आप दिखाते हैं, बट ये एक प्रीव्यू है स्पेशल, क्योंकि ये लिमिटेड टाइप कलेक्शन है। ये जो कलेक्शन हमने बहुत मेहनत से बनाई है, हमने इसको वन पीस ही बनाना है। एग्जीबिशन में तो यूजली बंदे रिपीट भी कर देते हैं सामान, मतलब हम वो रिपीट वाला काम नहीं कर रहे, इट इज़ अ स्पेशल थिंग, जो लेकर जाएगा वो खुशी से हो सकता है कि ये वापस नहीं बनेगा। ओके, सो उसको एक स्पेशल जेस्टर फील कराऊंगा। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी। और कुछ कल के ये जो जो आपके 26 और 27 की दो दिन की एग्जीबिशन है, इसके बारे में कुछ और बताना चाहोगे आप? नहीं सर, बताना तो यही चाहेंगे कि हर कोई आए और एक्सपीरियंस करे इस चीज़ को, कि आए देखिए, इंजॉय कीजिए कि हमने अपने शहर में मेहनत करी है आप लोगों के लिए, और आपके देखिए कि हमने क्या करा है, दैट्स अबाउट इट। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज कम एंड विटनेस द शो देमसेल्व्स। कहाँ पे? हमारे शोरूम पे, फर्स्ट फ्लोर, निक्कामल ज्वेलरी हाउस ऑन मॉल रोड, एंड एवरीबॉडी इज़ वेलकम फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, एंड यू विल एंजॉय द शो फॉर श्योर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दोस्तों, ए सी दीपांकर जैन जी जिन्होंने दसिया कि ए 7th जनरेशन जिते है निक्कामल ज्वेलरी हाउस, निक्कामल ज्वेलरी हाउस दी, उत्थे ही इन्होंने कहा कि ये अपने पेरेंटल बिजनेस नूं, लैगसी नूं हुण होर भी नवे अज के यूथ दे या अज के जिहड़े लोग हैगे आ उन्हां दी जिहड़ी डिमांड नूं, उन्हां दी रिक्वायरमेंट नूं समझदे होए उस हिसाब नाल इक नवां कॉन्सैप्ट लेके आ रहे हैं, जिहड़ा कि 26 और 27 दो दिन का इन्हां दा ख्वाहिश नाम ते जिहड़ा एक शो हैगा, एक प्रिव्यू हैगा। सो उम्मीद करते जिदा का इन्होंने दसिया है उन्होंने लैके साडे च भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि एक इदा का शो कुछ लगाया जा रहा है फर्स्ट टाइम लुधियाने दे विच, और भी शोरूम के अंदर ही। सो मैं भी तुहानू सबनू अपील करांगा कि निक्कामल ज्वेलरी हाउस 26 और 27 नवंबर दो दिन का शो है फर्स्ट फ्लोर पर। सो जरूर आओ, देखो, असी भी जरूर आवांगे, देखते हैं कि की एक्साइटमेंट भरा जिहड़ा इन्होंने जिदा इन्होंने दसिया है। सो एक्साइटमेंट तो बहुत है, आके देखते हैं, असी भी पहुँचा, तुसी भी पहुँचो। सो उत्थे मिलते हैं, देखते रहो, बने रहो जन हितैषी। धन्यवाद।